आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कभी भी अगर आपको तालू के ऊपर कुछ ट्यूमर जैसे या फिर छूने पे आपको फर्म जैसे महसूस होते हैं, ऐसे कोई भी लीजन अगर आपके मुंह में बन गए हैं जो कि देखने में डेंजरस टाइप दिखते हैं, तो ये क्या होते हैं और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग कोई भी हैबिट्स में नहीं होते हैं और उनको इस टाइप के जो है वो तालू के ऊपर दिखाई देता है, चाहे वो हार्ड पैलेट हो या फिर वो सॉफ्ट पैलेट मतलब गले के तरफ का जो तालू होता है वहाँ पे हो, या फिर जंक्शन जो होती है जहाँ पे आपका सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट मिलता है वहाँ पे भी ऐसे जो है वो रेड कलर के या फिर वहाँ पे वाइट कलर के ऐसे फर्म जो है वो लीजन ट्यूमर जैसे मांस जैसे जो संरचना होती है स्ट्रक्चर होती है वो दिखाई देती है। इसके बारे में आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इसलिए आपको वीडियो जो है वो पूरा अंत तक देखना है। उसके बाद भी अगर आपके मन में इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। ऐसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो ये जानना चाहते थे, इसलिए इस वीडियो को बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए। इनका ये मानना था कि हमारे तालू के ऊपर जो है वो कुछ वाइट कलर के या फिर कुछ रेड कलर के जो है वो मांस जैसी मतलब गुथी हुई ट्यूमर के जैसी स्ट्रक्चर जो है वो है वहाँ पे, और उसमें किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं है, मतलब वो एसिम्प्टोमेटिक है, कोई भी पेन फील नहीं होता, चाहे वो टच करने के बाद या फिर अगर आप खाना पीना खाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। तो क्या होता है ये, तो इसे हम लोग अपने मेडिकल टर्म्स में एडिनोमेटॉइड हाइपरप्लेसिया ऑफ पैलेटल ग्लैंड्स बोलते हैं, या फिर इसको एडिनोमेटॉइड हाइपरप्लेसिया ऑफ माइनर सेलेवरी ग्लैंड्स बोला जाता है। मतलब जो आपके तालू के ऊपर जो छोटे छोटे सेलेवरी ग्लैंड्स जो होती हैं उनकी जो है वो हाइपरप्लेसिया होने की वजह से, मतलब उनकी संख्या जो है सेल्स की वो बढ़ने की वजह से ये ऐसा होता है। इसमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं होता है। ये जो मांस जैसी स्ट्रक्चर होती है वो कुछ मिलीमीटर से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक के साइज की हो सकती है। ये बहुत सारे कंडीशंस में देखी जाती है। अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है मतलब शुगर की बीमारी है तो हो सकता है, या फिर अगर कोई लोगों को बहुत लंबी जो है वो गॉट मतलब गठिया की अगर कोई बीमारी है तो हो सकता है, या ऐसी कोई फीवर है जो बहुत लंबे समय तक रही हो, या फिर अगर उनको रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी हो सकती है, या फिर पैरोटिड ग्लैंड में कोई स्वेलिंग है, कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लामेशन, कोई सूजन है, ड्राई माउथ है तो भी ये दिखने को मिलता है, कोई अल्कोहलिक होते हैं उनमें भी ये देखने को मिल सकता है, कोई स्मोकिंग करने वाले होते हैं उनमें भी ये देखने को मिल सकता है। बट अगर एग्जैक्ट रीज़न की आप बात करेंगे तो इसके एग्जैक्ट कोई रीज़न नहीं होते हैं, कोई कॉज नहीं होते हैं। लेकिन अगर इसके अगर आप क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे कि मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, तो इसके जो है कई सारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपका जो आगे का तालू होता है उसको हम लोग हार्ड पैलेट बोलते हैं, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हार्ड पैलेट में दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये सॉफ्ट पैलेट मतलब जो पीछे गले की तरफ का जो तालू का हिस्सा होता है वहाँ पर दिखाई दे सकता है, या फिर ये जंक्शन जहाँ पर आपकी सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट आपस में मिलती है उस जंक्शन पर भी ये दिखाई दे सकता है। इसको टच करने पर ये फर्म दिखाई देती है, सेसाइल मतलब कभी कभी अगर ये जो है वो हल्की फुल्की मूवमेंट कर सकती है, एसिम्प्टोमेटिक होती है, कोई पेन नहीं होता, कोई जलन नहीं होती, बस एक मांस जैसी संरचना होती है। इसको देखने पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई भी सेलेवरी ग्लैंड का मिमिकिंग हुआ है, मतलब सेलेवरी ग्लैंड के जैसे जो ट्यूमर बनते हैं सेम उसी तरीके का ये जो है वो दिखाई देता है, इसीलिए लोग देख करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इसके अगर सिम्टम्स होते तो लोग शायद नहीं डरते, लेकिन सिम्टम्स नहीं होते हैं इस वजह से वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि हो सकता है कि ये कोई ट्यूमर हो रहा है। बट अगर इस टाइप के कोई भी अगर आपको दिख रही है संरचना कोई स्ट्रक्चर अगर आपके मुंह में है तो आप उसको डेंटल क्लिनिक जा करके एक बार अपने डेंटिस्ट को जरूर दिखाइए, क्योंकि कन्फर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक जैसी दिखाई देती हैं, इस वजह से कभी कभार ट्यूमर को हम लोग एक नॉर्मल चीज़ समझ सकते हैं और कभी कभार नॉर्मल चीज़ को ट्यूमर समझ के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ सकते हैं। तो इसीलिए इसकी जो है वो हिस्टोपैथोलॉजिकली जांच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें पता चलता है कि इसमें जो है वो कोई भी फाइब्रोसिस नहीं है, मतलब कोई भी ऐसे सेल्स का जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ है
जिसकी वजह से जो है वो ट्यूमर या फिर कैंसर जो है वो बनता है। ये एक बेनाइन कंडीशन है, मुंह में ऐसे ही आपके पड़े रहेंगे, इसके रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके हम लोग ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जैसी फील हो रही है तो आप इसको कट करके सर्जरी के थ्रू हटवा सकते हैं, या फिर मेडिसिन ऐसे कुछ आते हैं जिसकी वजह से ये मांस जो होती है वो धीरे धीरे जो है वो गलने लगती है और ये जो है वो आपके ओरल कैविटी से गायब हो जाएगी। तो ऐसे जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो आप करा करके इसको बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बट ये इससे बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन लोगों के तालू में इस टाइप के कोई भी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, या जो लोग जो है वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।